किसी ने कहा 225, किसी ने कहा 220, कहा 25 में नीतीश, हम की 25 में जनता निकाल दी खीस, कहीं के न रहेंगे नीतीश। 23 तारीख को नालंदा जिला में तेजस्वी जी के कार्यक्रम है, कार्यकर्ता दर्शन व संवाद कार्यक्रम। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजद ने हिलसा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सशक्त बनाना था, ताकि वे चुनावी मैदान में मजबूती से उतर सकें। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक हिमांशु, युवा जिलाध्यक्ष मनोज यादव भी मौजूद थे। बैठक में हिलसा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने विशेष रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और उन्हें घड़ी भेंट कर उनका सम्मान किया। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी पंचायत अध्यक्षों और चारों प्रखंड अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक चर्चा की गई, जिसमें पंचायत स्तर पर चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई कि वे अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी तुरंत शुरू कर दें। शक्ति सिंह यादव ने जानकारी दी कि 23 अक्टूबर को राजनेता तेजस्वी यादव नालंदा आएंगे। वे राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे। इस अवसर पर तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर संवाद करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। कार्यकर्ता दल के रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ता ही इलाके में जन सरकार के सवाल पर लड़ाई भी लड़ते हैं और दल को मजबूत भी करते हैं। तो आज हिलसा विधानसभा के तमाम पंचायत अध्यक्षों ने सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ सिर्फ शंखनाद ही नहीं किया है, स्मार्ट मीटर के आंदोलन में पंचायत अध्यक्षों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। 23 तारीख को नालंदा जिला में तेजस्वी जी के कार्यक्रम हैं, कार्यकर्ता दर्शन व संवाद कार्यक्रम राजगीर कन्वेंशन हॉल में होना सुनिश्चित हुआ है। सभी पंचायत अध्यक्ष और प्रबुद्ध लोग और पार्टी संगठन के लोग उस कार्यक्रम में नेता से रूबरू होंगे और संगठन के अत्यन स्थिति के संदर्भ में अपनी बातों को रखेंगे। तो कई चर्चा भी कल जदयू के बैठक में हुई, किसी ने कहा 225, किसी ने कहा 220, और जबकि पहले ही इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में 235 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो पीछे पड़ गए। कहा कि नीतीश 25 में, नीतीश हम की 25 में जनता निकाल देगी खीस, कहीं के न रहेंगे नीतीश। ये बातें अब पीपल डोमेन में जा चुकी है। हिलसा विधानसभा के पूर्व विधायक सह बिहार प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय शक्ति सिंह यादव जी का नेतृत्व में हिलसा विधानसभा का पंचायत स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक में सभी पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता का यह निर्देश दिया गया कि संगठन का मजबूत करते हुए बूथ स्तर तक के संगठन मजबूत करना है और सबको साथ लेकर के हम लोग संगठन का मजबूत करें और आने वाले 2025 में हम लोग मजबूती के साथ पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। और 23 तारीख को आदरणीय तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनको बारे में भी हम लोग काफ़ी हम लोग का आदरणीय शक्ति सिंह यादव जी की तरफ से हम लोग का मार्गदर्शन जो मिला है कि 23 तारीख को जो नेताजी आ रहे हैं उन लोग का कैसे हम लोग वहाँ उपस्थिति दर्ज करना है, किस तरह से स्वागत करना है, ये सब बातें पर चर्चा हुई। घड़ी टाइम पर आने का संकेत है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं समय पर और समय का पालन करते हुए पार्टी के कार्यों में तन मन से जुटे हुए हैं, तन मन से और अग्रसर होकर जुटेंगे। साथ ही साथ 23 तारीख के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी नालंदा की धरती पर आ रहे हैं, राजगीर कन्वेंशन में उनका जनसंवाद होना है, कार्यकर्ता दर्शन सह जनसंवाद कार्यक्रम है। इन्हीं की तैयारी के लेकर के हिलसा विधानसभा के चारों प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड प्रभारी, पंचायत अध्यक्षों का आज इस कार्यालय में बुला करके दिशा निर्देश दिया गया है।